नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा है कि टाइम टेबल आज जारी होने वाला है। साथ ही एक और न्यूज़ यहां पर है कि पूरे प्रदेश में ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है और यहां पर जोर पकड़ लिया है ऑनलाइन परीक्षा की मांग ने। विभिन्न छात्र संघ और छात्र छात्राओं के द्वारा सपोर्ट रूप से कह रहे हैं वो कि ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। तो सबसे मेन इन्फॉर्मेशन आज का ये है कि ऑफलाइन पेपर होंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कह दिया था और टाइम टेबल आज जारी होने वाला है। तो वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड कराने की मांग के बीच में यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल तैयार कर लिया है, वो भी ऑफलाइन कैसे करना है उसके लिए। और पिछले हफ्तों में आप सभी ने जानकारी दिया गया था कि ऑनलाइन परीक्षा करवाने की मांग की गई थी और अभी 4 मार्च या 5 मार्च को इसका प्रदर्शन भी किया गया यूनिवर्सिटी कैंपस पे। तो आप सभी को जानकारी है इसकी, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑफलाइन लेकिन तैयारी कर चुके हैं यूनिवर्सिटी ने, विभिन्न सेंटर का स्थापना किया जा चुका है, इस बार सेंटर बढ़ गया है तो स्कूलों में भी सेंटर होगा। तो दोस्तों 2021 में परीक्षा ऑनलाइन हुई थी और अब जो है सेमेस्टर परीक्षा जो इस साल की है वो भी ऑफलाइन होने वाली थी, लेकिन कोरोना उस समय बढ़ रहा था तो ऑनलाइन कर दिया गया। लेकिन अभी वार्षिक परीक्षाएं जितने का है, चाहे यूजी हो, चाहे पीजी हो, प्राइवेट वाला हो, चाहे रेगुलर वाला हो, बीए बीकॉम बीएससी, सभी का परीक्षा इस बार ऑफलाइन होने वाला है। तो दोस्तों आप बने रहिएगा, आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑनलाइन परीक्षा की आवाज़ जो है बुलंद कैसे हो चुकी है। तो आप सभी को जानकारी होगी कि छात्र छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन मोड में परीक्षा देना है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई भी हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं 2 महीना पहले किसी का कोर्स कंप्लीट हुआ है और किसी किसी का नहीं हुआ है, खुद जान रहे हैं आप लोग। तो ऐसे में छात्रों का कहना है कि पढ़ाई ज़्यादातर ऑनलाइन मोड में हुई है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। कॉलेजों की परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराने के लिए NSUI ने भी मांग की है और कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपने देखा है कि इसके लिए प्रदर्शन किया गया है, एक रैली निकाली गई है कि ऑनलाइन परीक्षा का विरोध इस पर यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को एक हिदायत मैं ये देना चाहूँगा कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप बीच में मत फंसिए, अपनी तैयारी जारी रखें। पढ़ाई करेंगे तो आपका ही फायदा है, भले परीक्षा ऑनलाइन हो जाए लेकिन वो ज्ञान आप सभी के पास बरकरार रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरे ओर से सिर्फ एक ही हिदायत है कि भाई आप लोगों को पढ़ाई करना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, परीक्षा बाद की बाद में होगी। तो बने रहिएगा, कंटिन्यू अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा।